आज हम लोग जा रहे हैं वायर आर्ट एक्सप्लोर करने के लिए. द बेस्ट पार्ट इज आई एम गोइंग विद प्रवीण भैया हु इज द केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी. वो लोकल है यहाँ के तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. आई होप सो. हियर इज माय राइट. बेकरी पर रुकी हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक कि केरला में किस टाइप की बेकरीज होती हैं, क्या कुछ अगर डिफरेंट स्वीट मिलता है. ओह, इज दिस कराची हलवा. यार अपने वहाँ तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं ना कराची हलवा के. यहाँ पर फ्यू सी तो देयर आर ब्लॉक्स. वाओ, आई टुक दिस फ्रूट केक. टेस्ट करते हैं कैसा है यहाँ का. यूजुअल मीठा बहुत नॉर्मल है, विच इज़ गुड पार्ट. डेस्टिनेशन वन ऑफ द डे इज अ टेम्पल जहाँ पर ट्राइबल लोग, लाइक आदिवासी लोग पूजा करते हैं. द टेम्पल इज कल्लेश्वरी टेम्पल एंड दिस इज द रास्ता. सामने देख रहे हो माउंटेन रेंजेस. आई जस्ट गो. मुझे अभी भी पता चला कि ये एलिफेंट का हॉटस्पॉट है. यहाँ पर रात के टाइम बहुत हाथी होते हैं. वाओ ग्रेट. दिस इज 5000 ईयर्स ओल्ड टेम्पल. इसका जो मेन टेम्पल है हम लोग अभी वहाँ पर जाएंगे गाड़ी से. एंड आई केम विद प्रवीण भैया. ये रेस्टिक चाम के केयर टेकर है, मैनेजर है, शेफ है, सब कुछ है. ऑल इन वन. एंड शी इज विजू, प्रवीण भैया इज वाइफ. एंड आंटी को तो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत देखा है. आंटी कुक्स द बेस्ट फूड. आंटी प्रवीण भैया की मम्मी है बेसिकली. शी इज कालेश्वरी देवी. अब यहाँ पर चलते हैं. कनाडा में पीटा बोलते हैं. बोले तो ये देवी वगैरह जो आते हैं वो उसको पीटा, पीटा. पूजा करने वाला जो चौकी. हाँ चौकी. ओके. यहाँ कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करता है, ट्राइबल लोग पूजा करते हैं यहाँ पे. इट स्टार्टेड रेनिंग. वाओ, इट वाज सो सनी जस्ट राइट नाउ. एंड अभी जहाँ पर हम लास्ट गए थे उसका ये मेन टेम्पल है, तिरुनल्ली विष्णु टेम्पल. एक ये रास्ता है और एक मेन रास्ता भी है, बट यहाँ से तुम ब्रह्मगिरी हिल्स का व्यू देख सकते हो. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. दीज हिल्स आर सो डेंस एंड सो ग्रीन. आई मीन वाओ. Probably one of the best temples I have ever been to location wise. You should come guys for the view. Matha tekne bhi aao. Yahan se rasta ja rahe hain, yahan shayad temple ka saman milta hai. Let's go and check it out. You guys know I take souvenirs from everywhere, right? Oh, flax. Ek dabba ye le lete hain. ये घर पे वैसे भी ख़त्म हुआ हुआ है तो वाई नॉट. बाकी तो यार यहाँ चाय, टी पाउडर नहीं चाहिए. ओह माय गॉड दिस थिंग. ये मुझे याद है नाजिया लेकर आई थी एक बार, इसमें ऑयल मिला के बालों पे लगाते हैं. आई विल टेक वन ऑफ दिस. गाइस यहाँ पे ना कॉफ़ी मिलती है सिर्फ ओपन एकदम बाल्टी में, मस्त.
If you see, they have a lot of wooden items made up of coconut shell. These are handmade soaps. But there is this chappal for 500. I found this little costly. And a cute thing is this. This is different. I've never seen such style anywhere else. Again, maybe a Kerala thing. Is this coconut or what? Bird feeders, I guess. I don't know. But there are so many of these. Bird nest. Okay. Viju, what are you buying? Teddy? None. Bag. Bag. Bag? Okay. Language problem, guys. Usko Hindi English nahi aati. Mujhe uski language nahi aati. How does this look? There is that peak if you can see. Camera capture nahi kar raha hai theek se. Anyway. चलते हैं नीचे और थोड़ा देख कर आते हैं। मंदिर के पास छोटा सा पॉइंट रहता है ना, वो पूजा के लिए उधर से पानी लेके जाता है। हाँ, लेकिन मैंने कल्याणी वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है। तो कन्नड़ा कल्याणी। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? There is this one more shop. पता नहीं मुझे हिंदी में भी क्या ही बोलते हैं। So guys, what do we call this thing? जो मंदिरों में छोटा सा पॉन्ड बना होता है जहाँ से पूजा वूजा के लिए पानी लाते हैं, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि हिंदी में भी क्या ही बोलते हैं। कन्नड़ा में तो कल्याणी बोलते हैं। हाँ, प्रवीण भैया ने बता दिया, कन्नड़ा में कल्याणी, हिंदी में व्हाट गाइज मुझे कॉमेंट्स में बता दो। दिस टेम्पल इज इन साइड द फॉरेस्ट, पीछे पूरा जंगल है, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं शेर चीते वगैरह, है ना? सही, अलग ही ट्रिप है यार वायनाड की। जंगल जंगल जंगल, इट्स एवरीवेयर इट्स जंगल। सही गाइज, वो जो रिवर यहाँ से निकल रहा है उसका नाम है पापनाशिनी। ऐसा बिलीफ है कि उसमें कूद जाओ, डुबकी लगा लो, पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर एक और शिव जी का मंदिर है। गाइज इफ यू सी, ये पत्थर के नीचे मंदिर ऐसे बनाया हुआ है। From there we have reached Papnashini point. थोड़े पाप धोकर आते हैं, चलिए। Guys, I am पाप free from today. आज से मेरे नए पाप शुरू होंगे. I'm so happy. This moss feels like velvet, you know. And it's so soft. Guys, it's too sunny. लेकिन सामने अगर तुम्हें थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है तो you can feel the beauty of Brahmagiri Hills. It's crazy, man, crazy. इस व्लॉग के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारे सीक्रेट लोकेशंस शेयर करूंगी जो मैंने अपाबारा विलेज में एक्सप्लोर किए। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो गाइज, यू नो व्हाट टू डू, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।